अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज तैयार कर लेते हैं मेरे साथ आपकी दावत को कंप्लीट करने के लिए फाइनली कुछ मीठा, जो कि है कश्मीरी पाइनएप्पल डेजर्ट हलवा। लास्ट वीडियो में मैंने इसे मटन रोस्ट के साथ कॉम्प्लीमेंट किया था अपनी दावतों में। चलिए देखते हैं इसकी डिटेल रेसिपी कैसे बनाना है। सबसे पहले यहाँ पे 2 फ्रेश पाइनएप्पल ले लिया था मैंने, जिसको मैंने प्यूरी में टर्न कर लिया था, या फिर आप 400 ग्राम्स ऑफ कैंड पाइनएप्पल भी ले सकते हैं। यहाँ ड्राई फ्रूट्स में मैंने 1/4 कप ईच लिया है काजू, बादाम, किशमिश एंड पिस्ता। एक पैन में हम ले लेंगे 4 टेबल स्पून्स ऑफ देसी घी एंड इसमें हम नट्स फ्राई कर लेंगे। एक बारी जब नट्स फ्राई हो जाए अच्छी तरीके से, उसे निकाल के रख देंगे साइड में। सेम घी में हम ऐड कर लेंगे हमारी प्यूरा किया हुआ पाइनएप्पल। अच्छी तरीके से हम इसे कुक कर लेंगे। इसे मैंने ढक दिया था बिकॉज ये इसके स्प्लैशेस जो है बहुत ज़्यादा उड़ते हैं, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये अपनी क्वांटिटी में काफ़ी हद तक के रिड्यूस हो गया था। अच्छी तरीके से कुक हो जाने के बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे चीनी। यहाँ पे मैंने 3/4 कप ऑफ शुगर ऐड की है। आप 1/2 कप से लेके 3/4 कप के बीच में शुगर ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। 1/3 कप ऑफ पाइनएप्पल क्रश ऐड कर लेंगे एंड 2 से 3 ड्रॉप्स ऑफ पाइनएप्पल इमल्शन के ऐड कर लेंगे। इमल्शन में ये होता है कि हमारा कलर एंड फ्लेवर दोनों एक ही साथ आ जाते हैं। 1/2 टीस्पून ऑफ इलायची पाउडर एंड अच्छी तरीके से हम इसे मिक्स कर लेंगे जब तक कि चीनी पूरी तरीके से पक जाए, डिजॉल्व हो जाए एंड इसका कलर एंड इसका जो टेक्सचर है वो चेंज हो जाए। आप देख सकते हैं इसका कलर जो है काफ़ी हद तक के चेंज हो गया है। अब हम इसमें मिला लेंगे 1 कप ऑफ मिल्क एंड अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये एक बहुत ही रिच, डिलीशियस एंड लैविश डेजर्ट है। डेफिनेटली ये सभी को पसंद आने वाला है, तो ज़रूर से अपने घर में इसे बनाएं। फिर हम इसमें मिला लेंगे यहाँ पर टोटल 1/2 kg ऑफ मावा। मावा मिलाने के बाद इसे अच्छी तरीके से कुक कर लेंगे जब तक कि मावा एंड जो हमारा पाइनएप्पल का मिक्सचर है वो कम्बाइन ना हो जाए, एक जैसा ना हो जाए। अच्छी तरीके से इसे चलाते हुए हम कुक कर लेंगे ताकि मावे के पीसेस जो है वो मेल्ट होने लगे। फिर हम इसमें ऐड कर लेंगे 2 टेबल स्पून ऑफ अमूल क्रीम। यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया है जो हमने फ्राई किए थे नट्स, उसे थोड़े से नट्स मैंने रखा है ऊपर से गार्निशिंग के लिए। 4 पीसेज ऑफ एनी वनीला केक मैंने लिया है। ये केक जो है मैंने घर में ही बनाया है, इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप वो चेकआउट कर सकते हैं। इसे क्रम्बल करके हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हमारे मिक्सचर में। केक ऐड कर लेने के बाद लगभग 1 मिनट के लिए हम इसे मिक्स कर लेंगे। ओवर कुक नहीं करना है, सिर्फ जेंटली मिक्स करना है ताकि सारा मिक्सचर एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाए। एंड देन लास्ट में मैंने इसमें ऐड कर लिया था 2 टेबलस्पून ऑफ घी। एंड में घी डालने का मोटिव ये रहता है कि हलवे में अच्छी सी ब्राइट सी शाइन आ जाएगी। केक डालने के बाद अगेन रिपीट करती हूँ कि ओवर कुक नहीं करना है, एक बार मिला देने के बाद, जेंटली मिक्स कर देने के बाद हमारा हलवा जो था हो गया था रेडी। यहाँ पे मैंने एक ग्लास के डिश ली थी जिसमें हम पोर कर लेंगे हमारा हलवे का मिक्सचर। अच्छी तरीके से मैंने इसे पोर कर लिया था, फ्लैटन डाउन कर लिया था। जो लेफ्ट ओवर नट्स थे हमारे फ्राई किए हुए, ऊपर से इसे मैंने ऐड कर लिया था एंड चॉप की हुई चेरीज लगा दी थी। लास्ट में मैंने इसे सर्व कर लिया था बहुत ही लाविश तरीके से क्रीम डिजर्व करते हुए, जिससे ये और रिच लगे एंड और टेस्टी खूबसूरत सा लगे। देख सकते हैं आप, ज़बरदस्त सा पाइनएप्पल का मीठा हमारा हो गया था तैयार। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजिए, मेरे चैनल को याद से सब्सक्राइब एंड खूब सारा शेयर कीजिए। आते रहोगे आपके पास ऐसी और रेसिपीज़ के साथ, तब तक कि कुछ मीठा हो जाए इसलिए ये हलवा बनाए, खाए एंड खूब सारा एंजॉय कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।